देखिए अब हम चूल्हे को ऑन कर लेंगे। अब इसमें हम डालेंगे 2 से 3 चम्मच खाने का ऑयल। इसे अच्छा गर्म होने देंगे हम। अब हम आलू का पानी सोख लेंगे। अब इसमें हम डालेंगे आलू। इसमें हम एक चुटकी फूड कलर डालेंगे कलर के लिए, इसे अच्छा कलर आएगा। आलू को ज़्यादा फ्राई करना नहीं, इसे थोड़ा सा हम गोल्डन होने तक इसको फ्राई करना चाहिए बस। दो से तीन मिनट इसको भूनना इधर से उधर तक, अलग पलट के 2 से 3 मिनट तक इसको भून लेना चाहिए। प्याज भी हम फ्राई कर लेंगे, प्याज को भी थोड़ा सा फ्राई करना है बस। मिनट इसको इससे 2 से 3 मिनट इसको भी भून लेना, आलू के साथ 2 से 3 मिनट इसको भी भून लेंगे हम। देखिए मटन अच्छे से गल गया है, मटन को अब देखेंगे खोल के। अभी थोड़ा गलना है इसको, ये सालन में गल जाएगा, सालन में थोड़ा गल जाएगा। देखिए अब इसे टमाटो प्यूरी को हम डाल लेंगे, कोकोनट और टमाटो पीसा था ना मैंने वो डाल लिया है, डाल के इसको भी अच्छे से हम भून लेंगे। दो से तीन मिनट इसको भी अच्छे से हम भूनना है। दो चम्मच लहसुन का पेस्ट, दो चम्मच अदरक का पेस्ट, अब इसमें हम डालेंगे 1 चम्मच 2 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच रेड चिली पाउडर। इसमें हम डालेंगे रेड चिल्ली है, ये ग्रीन चिल्ली
ग्रीन चिल्ली 2 चम्मच डाल रहे हैं। 2 चम्मच ग्रीन चिल्ली डाला है, ये घर में मैंने पीस के रखा है। देखिए ग्रीन चिल्ली और हरिया धनिया। इसे हम अच्छे से भून लेंगे, 2 से 3 मिनट इसको भूनने के बाद में हम इसमें थोड़ा पानी डाल के इसको पकने छोड़ेंगे थोड़ी देर तक। अब इसमें हम डालेंगे मटन में भी नमक डाला है और मैं ये इसमें आलू में भी नमक डाल रही हूँ। अब इसमें 4 से 5 पुदीने के पत्ते डालेंगे हम, इसे हाथों से ऐसा तोड़ के डालेंगे। इसे हम बंद करेंगे, इसको 5 मिनट पकने देंगे। जी यूवर्स, कैसे हैं आप? मैं उम्मीद करती हूँ आप ठीक होंगे। मैं आज मटन चटकारा बना रही हूँ। देखिए ये 1.5 किलो गोश्त है, इसमें हम मटन चटकारा बनाएंगे। देखिए इसमें आयल डाल रही हूँ, देखिए 4 टेबल स्पून आयल है। चूल्हे को ऑन कर लेंगे हम। तीन इलायची डालेंगे। चार से पांच लौंग, और थोड़ा सा जावित्री डालेंगे। हाँ, इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इसे में हम मटन को डालेंगे। मटन को अच्छे से धो के हमने साफ करके रख लिया है। गोश्त को थोड़ा व्हाइट कलर आने तक इसको भून लेंगे, इसके बाद में सीटी लगा देंगे। इसको 2-3 बेजल तक लगाना है, 2-3 बेजल के बाद में इसको हम ओपन करेंगे। 1 चम्मच नमक डालेंगे। एक चम्मच हल्दी डालेंगे। 1/2 टीस्पून जीरा डालेंगे। हाँ देखिए इसमें नमक हल्दी डाला है मैंने, इसको अच्छे से हम भून लिया है। 2-3 मिनट तक इसको भूनना है। इसको हम बंद कर देंगे, इसको हम 2-3 वेजल आने तक रखेंगे। नहीं, 2 से 3 बेजल आने तक रखेंगे। अब मसाले की तैयारी कर लेंगे। देखिए इसमें हम
काजू को काजू और बादाम भिगने डाला है। ये 2 टेबल स्पून काजू है और 1 टीस्पून बादाम है इसमें डाला है। दूध में हमें भिगने डाला है, ये दूध है, दूध में भिगने डालना है। इस मटन चटकारे को दूध में भिगने डालना है। अब इसमें हम डाल लेंगे और इसमें हम प्याज डालेंगे। ये 3 मीडियम प्याज है, मीडियम साइज के 3 प्याज हैं ये। दो इलायची और 4 से 5 लौंग डालेंगे। ये स्टार अनीब है, ये देखिए स्टार अनीब है और ये जावित्री है, इसमें थोड़ा थोड़ा हम डालेंगे। एक इंच सिनेमन स्टिक्स, ये जायफल है थोड़ा थोड़ा, इतना सा पीस है। ये मटर रखता है, ये मटर के दाने का चीज़ है। ये जायफल इसमें हम डाल लेंगे। जायफल ज़्यादा नहीं डालना चाहिए, जायफल को थोड़ा सा डालना चाहिए, को हम पीस लेंगे। इसमें 4 टेबल स्पून कोकोनट डाला है, ठीक है, कोकोनट डाला है इसमें। और इसमें अब टमाटर डालेंगे, टमाटर डाल के हम इसको पेस्ट बना लेंगे अच्छे से, फाइन पेस्ट। देखिए मसाला अच्छे से पक गया है। अब इसमें हम डालेंगे मटन, इसको अब मिक्स कर लेंगे हम। ये मसाले में अच्छे से इसको मटन को मिक्स कर लेंगे। आलू और मटन अच्छे से मिक्स करने के बाद में अब हम इसमें डालेंगे, देखिए काजू बादाम पेस्ट बनाया था ना मैंने। अब इसमें हम दही को भी डाल लेंगे, दही को भी इसमें ही हम मिक्स कर लेंगे। काजू बादाम और इसमें प्याज है, दही को भी हम इसमें मिक्स कर लिया है। अब इसको हम डाल देंगे। अब इसको भी हम मिक्स कर लेंगे। मटन चटकारा की नई रेसिपी है ये, मैं आप लोगों के लिए शेयर कर रही हूँ, अच्छे अच्छे वीडियो शेयर करती रहती हूँ, अंत तक देखना मत भूलिए। आप लोगों को जो भी मेरी रेसिपी पसंद आती है मुझे कमेंट में बताना।
इसमें हम थोड़ा पानी डालेंगे। थोड़ा सा पानी डाल को अब इसमें काजू का पेस्ट और प्याज काजू सब डाल के पीसा था ना मैंने, अब उसको हम पकने देंगे। अब इसमें हम लेमन जूस भी डाल लेंगे, हाफ लेमन जूस है ये। इसको हम पकने देंगे 5 मिनट। देखिए अब हम इसका ढक्कन खोलेंगे और अब देखेंगे हम, देखिए कैसा तेल ऊपर रिलीज हो गया है। अब इसको हम मिक्स कर लेंगे थोड़ा सा। मटन मटन चटकारा पक गया है, इसमें से हम इलायची को निकाल लेंगे। इलायची मुंह में आएगी तो अच्छा नहीं दिखेगा। मटन चटकारा बनके तैयार हो गया है। अब हम इसमें डालेंगे हरा धनिया, अब इसमें हम डालेंगे क्रीम। अब इसे 2 से 3 मिनट हमें पकने देंगे, इसके बाद में हम सर्व करेंगे। चूल्हे को हम बंद कर देंगे, चूल्हे को हम बंद कर दिया है। अब ये इसकी भाप में ही पकेगा। देखिए अब इसको हम खोलेंगे, देखिए सर्व करने के लिए अभी तैयार हो गया है ये। देखिए बहुत ही डिलीशियस है, बहुत ही लाजवाब बना है। ये रेसिपी आपको पसंद आई तो मेरे वीडियो को शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब करना मत भूलिए और मेरे वीडियो को लाइक करना मत भूलिए। दुआ में याद करना इवर्स। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय फ्रेंड्स। और मेरी बेटी की शादी का वीडियो मैं ज़रा देर से मिलेगा, फिर मैं पकवान पकाई हूँ ना उसका वीडियो तो मिल जाएगा आपको। ऐसा करना नेक्स्ट।